शहर के बीचों बीच स्थापित आईडीबीआई बैंक के अंदर और बाहर का नजारा कुछ बदला हुआ था। बैंक में पहुंचने वाले ग्राहकों की मेहमानबाजी करने के लिए बैंक कर्मी तत्पर नजर आए। ये मौका था आईडीबीआई बैंक की 55वीं वर्षगांठ का, जिसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बैंक प्रबंधक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि आईडीबीआई हर प्रकार की डिजिटल सुविधाएं भी ग्राहकों को दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि 2016 में नोटबंदी के दौरान जिले के सभी बैंकों के ग्राहकों को करेंसी जमा कराने और करेंसी बदलने के लिए पार सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी थी। उसी दिन से ग्राहकों में आईडीबीआई बैंक के प्रति भरोसा बढ़ा है। इस दौरान बैंक प्रबंधक वेद प्रकाश सिंह के साथ सहायक प्रबंधक अक्षय सेगर, सहायक प्रबंधक उदिता चौधरी, सहायक प्रबंधक रामा कंचन और बड़ी संख्या में बैंक के उपभोक्ता भी मौजूद रहे। जी, आज आईडीबीआई बैंक में क्या प्रोग्राम रखा गया? आज आईडीबीआई बैंक अपनी 55वां वर्षगांठ मना रही है। क्या किया है, क्या बैंक ने बैंक के जो ग्राहकों को क्या सहूलियत दी जाएगी, इसमें क्या बैंक ने कुछ नया ग्राहकों के लिए निकाला है 55वीं वर्षगांठ पर? ये सेलिब्रेशन है जो कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अभी चूंकि हाफ ईयरली क्लोजिंग अभी हमने किया है और 1 अक्टूबर 1964 को बैंक की स्थापना हुई थी और 55वीं वर्षगांठ अभी हम मना रहे हैं। तो हमने अपने सभी मथुरा के माननीय ग्राहकों को निमंत्रित किया है और उनकी उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से हम प्रयास कर रहे हैं कि बैंक को एक नई और दिशा में लेके चलें।